अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मैथ्स की बुक का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक है एडिंग अमाउंट्स ऑफ मनी, यानी कि हमने अमाउंट्स को, मिकदार को काउंट करके बताना है कि हमने हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि हमारे पास ये जो टॉयज़ है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉयज़ हैं। अब हर टॉय की कोई ना कोई प्राइज़ है, ठीक है। जैसे हम कंटीन पे जाते हैं, वहाँ पे बिस्किट की, लेस की, निम्को की, चॉकलेट की अलग अलग प्राइजेज होती हैं, डिफरेंट प्राइजेज होती हैं। इसी तरह इन टॉयज़ की भी डिफरेंट प्राइज़ है। अब यहाँ पर देखें, दिस वन इज़ टेडी बियर एंड इट्स प्राइस इज़ 8। दिस वन इज़ गिफ्ट एंड इट्स प्राइस इज़ 6। दिस वन इज़ डक एंड इट्स प्राइस इज़ 5। दिस वन इज़ कार एंड इट्स प्राइस इज़ 7 रुपीज़। दिस वन इज़ बॉल एंड इट्स प्राइस इज़ 3। दिस वन इज़ बुक एंड इट्स प्राइस इज़ 4, ठीक है। अब हमें सबकी प्राइस पता चल गई कि इन सबकी प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने परचेज करनी है, सपोज हमने बाजार जाते हैं तो हमें परचेज करनी है कार, ठीक है। और नेक्स्ट हमें परचेज करनी है गिफ्ट। अब कार की प्राइस जोन सी है वो 7 है और गिफ्ट की प्राइस क्या है 6। अब यहाँ पे हमने 7 लाइंस लगाई, यहाँ पे हमने 6 लाइंस लगाई। अब हमने इनको काउंट करना है कि हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट्स होनी चाहिए इन दोनों को परचेज करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, 13। इट मीन्स इन दोनों को परचेज करने के लिए हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 13। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, देर इज़ अ बुक एंड देर इज़ अ डक। द प्राइस ऑफ बुक इज़ क्या थी, 4 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ डक इज़ 9 रुपीज़, ठीक है। सॉरी 5 रुपीज़। क्या प्राइस थी इसकी, डक की 5 रुपीज़ थी। अब हमने इन दोनों को काउंट कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने क्या राइट किया यहाँ पे, 9। इट मीन्स कि इन दोनों टॉयज़ को परचेज करने के लिए हमें कितने रुपीज़ चाहिए, 9 रुपीज़ चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बुक है, देयर इज़ अ बुक एंड अ फुटबॉल। द प्राइस ऑफ बुक क्या थी, 4 रुपीज़ थी ना, तो हमने यहाँ पे राइट किया 4, ठीक है। नेक्स्ट फुटबॉल की प्राइस क्या थी, 3। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया, 3। आप देखें ये साइन, बच्चों एक बात और, ये साइन जो है वो एडिशन का साइन है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, यानी ऊपर 4 ऐड किया तो 4 लाइंस लगा दी, नीचे 3 ऐड किया तो हमने 3 लाइंस लगा दी। अब हमने इन सबको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 7 ऐड कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देर इज़ अ टेडी बियर एंड अ कार। द प्राइस ऑफ टेडी बियर क्या प्राइस थी, 8 रुपीज़ थी ना, तो हमने यहाँ पे 8 ऐड किया। नेक्स्ट कार है तो कार की प्राइस क्या है, 7 है ना, तो हमने यहाँ पे 7 राइट किया। अब हम इन सबको काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 7 लगे। अब हम देखते हैं कितनी प्राइस आती है हमारे पास टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इट मीन्स कि इन दोनों को परचेज करने के लिए हमें 15 रुपीज़ चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नेक्स्ट वर्कबुक पे आ जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 7474 आपने करना है। यहाँ पे भी मनी आपने बतानी है कि इन टॉयज की कॉस्ट कितनी है और हमारे पास इनको परचेज करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, कितनी मनी होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हमने देखा यहाँ पे फुटबॉल की प्राइस 15 है, डक की प्राइस 20 है, टॉप की प्राइस 8 है, डायनासोर की प्राइस 16 है, यहाँ पे 5 का कॉइन है, ठीक है। यहाँ पे मनी है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कितनी कितनी है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 का कॉइन है तो 5 लाइन्स ड्रा की, 2 का कॉइन है 2 लाइन्स ड्रा की, 1 का कॉइन है तो 1 लाइन ड्रा की। इन सबको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 आया, तो 8 से हम क्या परचेज कर सकते हैं, टॉप ना, तो हमने 8 वाले बॉक्स को टॉप के साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ये 10 रुपीज़ हैं, ये 5 रुपीज़ हैं, ये 1 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सबको काउंट करना है। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 राइट किया। 16 से हम क्या परचेज कर सकते हैं, डायनासोर ना, तो हमने 16 वाले बॉक्स को डायनासोर से मैच किया। नेक्स्ट देखें, ये कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ हैं और ये 5 है। अब हमने इन लाइंस लगानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमने यहाँ पे 1, 5, 15 राइट किया और 15 से हम क्या परचेज कर सकते हैं, फुटबॉल ना, तो हमने इसको फुटबॉल से मैच कर दिया। द लास्ट वन इज़, यहाँ पे कितने रुपीज़ हैं, ठीक है, ये भी 10 के, ये भी 10 के, और हमने यहाँ पे भी 10 लाइन लगाई, यहाँ पे भी 10 लाइन लगाई। अब हमने काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इट मीन्स हम यहाँ पे 20 राइट करेंगे. 20 से हम क्या परचेज कर सकते हैं? डक. तो हमने इसको डक से मैच कर दिया. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वर्कबुक का पेज नंबर 74 और बुक का पेज नंबर 7070 अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ये आपने होमवर्क में राइट करना है. इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.